तो ये रहा हमारा नंबर वन थीम, जिसका लॉक स्किन काफी मल्टी कलर और काफी ब्यूटीफुल देखने को मिलता है, जहाँ पे टाइमिंग जो ग्रीन कलर में यूज की गई है काफी कमाल का और इंप्रेसिव सा लुक देता है। वहीं पे आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, म्यूजिक प्लेयर का बड़ा सा आइकन है ताकि आप इसे कंट्रोल कर पाओ अपने लॉक स्क्रीन से। साथ ही साथ यहाँ पे स्लाइड अप टू अनलॉक का एक नया ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप इसे स्लाइड करते हो तो आपका है जो डिस्प्ले अनलॉक हो जाएगा और आप अपने लॉक स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। तो कुछ इस तरीके से आपको स्लाइड करना है अप और बीच में लाकर लेफ्ट कर देना है, तो आपका जो डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। जहाँ पे बैकग्राउंड में सेम डीप कलर का वॉलपेपर यूज किया गया है, टाइमिंग का जो बॉर्डर दिया गया है काफी कमाल का है। और अगर आप यहाँ पे म्यूजिक को प्ले करते हो तो यहाँ पे उसके इक्वाइजर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। जो आइकन पैक यहाँ पे यूज किए गए ना वो काफी ज्यादा मुझे इंप्रेसिव लगे हैं, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा लुक लग रहा है इसके आइकन पैक का। वहीं पे क्यूएस पैनल की बात करें तो बिल्कुल ही अमेजिंग सा आपको जो लुक यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो बैटरी और नेटवर्क है बिल्कुल ही चेंज हो गया है। यहाँ पे क्लियर ऑल का जो बटन है ये भी बिल्कुल ही चेंज और राउंड कलर का देखने को आपको मिल जाता है। सेटिंग की बात करें तो सेटिंग बिल्कुल ही डीप ब्लैक देखने को मिलता है और हर एक आइकन के ऊपर नया नया आइकन आपको दिखाई दे रहा है सेटिंग के आगे की ओर, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव सा है जो लगता है। वहीं पे अगर हम इसके जो एडिशनल सेटिंग या किसी भी सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आप देख पाओगे अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है फ्रेम के अनुसार, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं पे डायल पैड भी आपको डार्क और सिंगल कलर का देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल ही डार्क शेडो टाइप का आपको जो लुक यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। आपका कॉन्टैक्ट भी जो सेम सिमिलर दिखाई देता है। रिसेंट के अंदर आते हैं तो सेम कुछ इस टाइप का आपको रिसेंट पैनल देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपको अपने थीम स्टोर में आके इसके नेम को सर्च करना होगा, जिसकी वजह से आपको ये मिल जाएगा और आप इसे इजिली डाउनलोड कर पाओगे। हमारा जो नेक्स्ट थीम है ये भी काफी कमाल का और काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टी कलर के वॉलपेपर के साथ टाइमिंग देखने को मिलता है, जो कि काफी इंप्रेसिव सा है। यहाँ पे दो लाइनिंग आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से तो आपको काफी अच्छे खासे शॉर्टकट्स और वेडर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपने वन टैप पे फ्लैश लाइट वगैरह, अलार्म, कैलकुलेटर और कैमरा वगैरह को इनेबल कर सकते हो। ब्लूटूथ वाईफाई साइलेंट भी आप कर सकते हो। यहाँ पे स्लाइड स्विच और यहाँ पे स्लाइड टू एग्जिट देखने को मिलता है। अगर इस पर टैप करते हैं तो एक बड़े से लेआउट के अंदर हमें म्यूजिक प्लेयर देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से स्विच कर पाओगे, चेंज कर पाओगे और फिर यहाँ से एग्जिट भी करके अपने मेन स्क्रीन पे जो आ सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से शो होता है। तो ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। वहीं पे इसे हम अनलॉक करते हैं तो सेम ब्लर आपको बैकग्राउंड देखने को मिलता है मल्टी कलर के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे जो आइकन यूज किए गए ना वो काफी कमाल का, काफी इंप्रेसिव है और टाइमिंग भी काफी लार्ज देखने को मिल जाता है और काफी ग्रेडियंट कलर के मल्टी कलर आइकन पैक है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं इसके होम स्क्रीन के लेआउट को। वहीं पे डायल पैड भी आप देख सकते हो काफी कितना ब्यूटीफुल सा डायलर यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव सा है। वहीं पे सेटिंग्स आपको सिंपल सा देखने को मिलता है, लेकिन हल्का फुल्का मोटिफिकेशन है आगे देख सकते हो कॉन्टैक्ट का, जो कि देखने में काफी ज्यादा बेटर लगता है। वहीं पे हमारा जो क्यूएस का पैनल दिया गया है ये भी काफी ट्रांसपेरेंट और मल्टी कलर में दिखाई देता है, जो कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड वॉलपेपर के अनुसार कितना बेटर सा लुक लग रहा है। वहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी नेटवर्क है और बैटरी है बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही इंप्रेसिव सा है। वहीं पे यहाँ पे जो रिसेंट कैंसिल करने का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन वगैरह, वो भी काफी अच्छा देखने में लग रहा है। सेटिंग की बात करें तो सेटिंग्स आपको बिल्कुल ही व्हाइट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मल्टी कलर्स दिए गए हैं हर एक सेटिंग के आइकन को, जो कि काफी अलग सा है जो लेआउट प्रोवाइड करता है। वहीं पे किसी सेटिंग्स के अंदर हम इन करते हैं तो हल्का सा सिंपल, लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ी सी चेंजिंग आपको जो नजर आती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा जो अच्छा सा फील देता है। वहीं पे अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको जो नीड थीम का नाम है जो सर्च करना होगा अपने थीम स्टोर के अंदर, उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर पाओगे इजिली और अप्लाई भी कर पाओगे। थीम है ये भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जहाँ पे आप बड़े से आइकन में टाइमिंग और वेदर देख सकते हो। साथ साथ यहाँ पे कितना आपने स्टेप काउंट किया है, रन किया है, वो भी आपको ये दिखा देगा विदाउट किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। तो ये इस थीम के अंदर इंक्लूड मिल जाता है, जो कि काफी कमाल की बात है। वहीं पे आपको म्यूजिक प्लेयर का कंट्रोल मिलता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली जो टैप करके अपने म्यूजिक प्लेयर को जो एक्सेस कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन से ही, और कैमरा वगैरह को अगर आप यहाँ पे स्लाइड करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप इसे चार्जिंग पे डालते हो तो आपको चार्जिंग का नया एनिमेशन है जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव सा बनता है। वहीं पर अगर हम होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन पे आप देख सकते हो आपको होम स्क्रीन के ऊपर म्यूजिक प्लेयर, टाइमिंग और म्यूजिक प्लेयर का एक साइन भी देखने को मिल जाता है। वहीं पे जो आइकन यूज किए गए काफी ज्यादा डार्क और अलग से जो प्रीमियम से लुक देते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का होम स्क्रीन का लेआउट जो बनाता है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। वहीं पर अगर यहाँ पे पैनल की बात करें तो पैनल आपको ट्रांसपेरेंट डार्क देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका जो बैटरी के आइकन्स वगैरह भी चेंज हो गए और नेटवर्क के जो है वो भी चेंज है। वहीं पे सेटिंग्स आपको बिल्कुल ही डार्क और सब सेटिंग्स के आइकन बिल्कुल ही चेंज देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग सा है, जो लुक प्रोवाइड करता है सेटिंग्स को और बिल्कुल ही माइंड को रिफ्रेश करता है। हर एक सेटिंग के बॉर्डर बनाए गए हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव सा जो फील देता है। वहीं पे हमारा जो डायलर है वो काफी सिंपल सा और डार्क देखने को मिलता है और कॉन्टैक्ट भी हमें काफी सिंपल और डार्क देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा जो बेटर लगा इस थीम का। वहीं पर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपको जो ये नेम को है जो सर्च करना होगा अपने थीम के स्टोर पे, जहां से आप इजीली सर्च करके डाउनलोड। हमारे नेक्स्ट थीम में ये बिल्कुल ही इंस्पायर है वन प्लस के डिवाइस से, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आपको वन प्लस जैसा ही देखने को मिलता है। आप देख सकते हो प्लस का यहाँ पे साइन दिया गया है वन प्लस का, जिसपे आपको क्लॉक और बाकी होम स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसके चेंजिंग कर सकते हो। काफी इंप्रेसिव से आपको जो लुक लगता है, जहाँ पे आप है जो अपने मर्जी के अनुसार चेंज कर सकते हो इस प्लस के आइकन के ऊपर टैप करके। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो कॉलिंग और कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप इसे अनलॉक करोगे आपको बिल्कुल ये जो वन प्लस का लुक देखने को मिल जाएगा आपके होम स्क्रीन पे, जहाँ पे टाइमिंग के साथ नेवर सेटल लिखा गया है। अगर आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे डबल टैप करते हो साइड पे तो आपका वॉलपेपर चेंज होता है। तो जितने भी वॉलपेपर यूज किए गए हैं सारे आपको यहाँ पे ऑक्सीजन वॉइस के देखने को मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही अमेजिंग सा लुक देता है आपके होम स्क्रीन को। वहीं पे अगर आप नीचे की ओर टाइप देखो तो यहाँ पे जितने भी आइकन हैं सारे वन प्लस के ही यूज किए गए, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव सा लगता है। और इस तरीके का आपको जो होम स्क्रीन का लेआउट देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। वहीं पे अगर पैनल की बात करें तो बिल्कुल ही वन प्लस से पिक किया गया है, तो सेम टू सेम वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका नेटवर्क हो, वोल्टी का आइकन हो, या फिर क्यूएस पैनल के टॉगल्स हो, या ब्राइटनेस स्लाइडर हो। उसके अलावा हम सेटिंग के ऊपर टाइप करते हैं तो सेटिंग भी कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि डार्क और साथ ही साथ ब्लू के साथ मैचअप किया गया है। वहीं पर अगर हम सेटिंग के अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह का आपको डार्क डार्क देखने को मिलता है। डायलर हमारा जो बिल्कुल चेंज और मल्टी कलर का देखने को मिलता है, ब्लैक और ब्लू का काफी अच्छा खासा कॉम्बिनेशन दिखाई दे देता है। वहीं पर हम सेटिंग के बाद यहाँ पे रिसेंट पैनल की बात करें तो हमारा जो रिसेंट है जो सेट करने का, ये भी आप देख सकते हो काफी मल्टी कलर में दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल चेंज हो गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग सा ये बन जाता है थीम। अगर आपको ये थीम पसंद है तो आप सिंपली इसे डाउनलोड करने के लिए अपने थीम के स्टोर में ऑक्सीजन OS 10 डार्क सर्च कर सकते हो और इसे डाउनलोड कर पाओगे। इसका कमाल का चीज आपको होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट थीम है बिल्कुल ही इंस्पायर है विंडोज के डिवाइस से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको विंडोज टाइप के देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हमारा जो टाइमिंग और साथ ही साथ डेट, और यहाँ पे आपको कैमरा, कॉल लॉक, GPS और नोटपैड भी दिखाई देता है और म्यूजिक कंट्रोल भी। तो आप इन सभी को वन टैप पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा डायल पैड खाली मल्टी कलर और डार्क के साथ मैच किया गया है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा सा लगता है। वहीं पर हम होम स्क्रीन की बात करें तो हमारा जो टाइमिंग है और म्यूजिक प्लेयर है ये काफी अच्छा और सिमिलर सा देखने को लगता है, और बैकग्राउंड में डार्क टाइप का ब्लर इमेज यूज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पाओगे इसके जो आइकन यहाँ पे यूज किए गए हैं वो काफी ज्यादा है जो विंडोज जैसे दिखाई देते हैं, और हर एक आइकन के ऊपर आपको कोई कोई पिक नजर आएगा। और कुछ इस तरीके से आप ड्रेसिंग बना सकते हो अपने जो होम स्क्रीन के लेआउट को, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव सा लेआउट देता है। वहीं पे क्यूएस पैनल की बात करें तो ग्रेट ब्लैक के साथ आपको मल्टी कलर देखने को मिल जाता है, और हर एक ऑप्शन के ऊपर आपको अलग अलग इमेज है जो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो फ्लैश लाइट वगैरह हो या फिर साइलेंट का ऑप्शन हो, सब पे आपको मल्टी कलर के इमेज दिखाई देते हैं। वहीं पे हम सेटिंग की ओर बात करें तो बैकग्राउंड में सेम इमेज यूज किया गया है, ब्लर और डार्क, और साथ साथ सेटिंग के ऊपर हर एक आइकन के ऊपर मल्टी कलर यूज किए गए हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा जो अच्छा सा फील देता है। वहीं पे सेटिंग की बात करें तो सेम उसी तरह का आपको बॉर्डर क्रिएट देखने को मिल जाता है, और सेम वॉलपेपर यहाँ पे भी है जो यूज किया गया है। वहीं पे रिसेंट की बात करें तो रिसेंट का जो जेस्चर्स है उसमें कुछ खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। और इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपको ये नेम सर्च करना होगा अपने थीम स्टोर में, जहां से आप इसे इजीली फाइंड करके डाउनलोड करके अप्लाई कर पाओगे। हमारा नेक्स्ट थीम है जो कि वन ऑफ द बेस्ट मोर कस्टमाइजेबल वाला होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का थीम मिल जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो काफी कमाल के और ह्यूज इंप्रेसिव से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पे कुछ इस तरीके के ऑप्शन है जिसे ऑन ऑफ करके आप है जो कई सारे अच्छे खासे इफेक्ट है जो यहाँ पे इनेबल कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके का है जो शो होता है, जहाँ पे आपको म्यूजिक प्लेयर, क्यूएस पैनल, वेदर, चार्जिंग के इन्फो और स्लाइडर और असिस्टेंट वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप इसे अनलॉक करते हो आपको देखने को मिल जाएगा इस थीम का नेम, जो कि आप सिंपली जो अपने थीम स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। वहीं पर हम होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन में काफी इंप्रेसिव सा आपको लुक देखने को मिल जाता है, जिसके आइकन पैक काफी मल्टी कलर और काफी अमेजिंग से जो देखने में लगते हैं। बैकग्राउंड का जो इमेज है वो काफी ज्यादा ब्लरी है, जो कि काफी अच्छा लगता है। वहाँ पे टाइमिंग के साथ आपको वेदर मिलता है, और वेदर पे टाइप करने के बाद आपको जो चेंजिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हो, साथ ही साथ वेदर के बाकी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हो। वहीं पे डायलर की अगर बात करें तो डायलर के जो फॉन्ट है वो बिल्कुल ही अलग से यूज किए गए हैं और डायलर में आपको काफी अच्छे खासे कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे क्यूएस पैनल की बात करें तो बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट सा दिखाई देता है, लेकिन दिखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव और अलग सा है जो ये फील देता है। वहीं पे रिसेंट पैनल की बात करें तो रिसेंट में कुछ खास चेंज नजर नहीं आता है, सब कुछ सिमिलर सा दिखने को मिल जाता है। जो नेक्स्ट थीम है काफी कमाल का और काफी इंप्रेसिव है, जिसे आप चार्जिंग पे डालोगे तो कुछ इस तरह का आपको वोल्ट का आइकन देखने को मिलेगा और आपका जो पावर फ्लो होते हुआ नजर आएगा आपके लॉक स्क्रीन पे। जैसे आप चार्जर को रिमूव करते हो कुछ इस तरह का आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। वहीं पे आप 999 पे सर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस टाइप के बहुत सारे थीम्स मैंने आपको पहले भी ये शो किए थे, लेकिन काफी अच्छा खासा आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। इस साइड आपको कैमरा मिलता है और जैसे हम इसे अनलॉक करते हैं आपको काफी मल्टी कलर के यहाँ पे आकाशगंगा जैसा आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है जो कि काफी अमेजिंग सा है। वहीं पे आपको टाइमिंग और जो आइकन पैक यूज किए गए हैं वो काफी कमाल के और काफी लार्ज है, जो कि काफी अच्छा सा है जो लुक प्रोवाइड करते हैं हमारे होम स्क्रीन को। वहीं पे हमारा डायलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ खास नहीं है बट काफी अच्छा देखने में लगता है, थोड़ा सा बहुत चेंजिंग दिखाई देता है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने क्यूएस पैनल की ओर तो काफी अच्छा खासा जो लुक देखने को मिलता है और साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटनेस जो कंट्रोलर है कुछ इस तरीके से जो काम करता है, जो कि बिल्कुल ही अलग लेवल का जो लेआउट देता है। वहीं पे सेटिंग के आइकन को बिल्कुल ही जो सेटिंग के नाम से चेंज कर दिया गया है और साथ ही हमारा नेटवर्क भी बदल गया है। तो सेटिंग के अंदर हम इन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे काफी अच्छे खासे कैटेगरी बनाए गए हैं और काफी अच्छे खासे ग्रेडिएंट टाइप के कलर्स यूज किए गए हैं हर एक सेटिंग के ऊपर, जो कि काफी अच्छा लगता है। वहीं पे अगर हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो इसके अंदर भी आपको चेंजिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा दमदार सा फील देता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे काफी अमेजिंग से लुकिंग के साथ साथ आपको काफी अच्छे खासे कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है, जिसे आप यूज करके बिल्कुल नहीं जो बेनिफिट लेने वाले हो। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपको थीम स्टोर के अंदर नाम सर्च करना है जो कि स्पेस ब्लू लाइन EY है, जिसके थ्रू आप इसे इजिली एक्सेस कर पाओगे और यूज कर पाओगे अपने फोन के अंदर। मान जो आखिरी थीम है इसमें काफी अच्छे खासे आपको चेंज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर, जहां पे आप देख पाओगे मैं अभी फिलहाल इसे चार्जिंग पे डाल रखा हूं और जो चार्जिंग का आइकन है वो कितना अच्छा और इंप्रेसिव सा लग रहा है। ये हमारे डेटा केबल से जो पावर को कंज्यूम कर रहा है और फोन के अंदर जो बैटरी के अंदर पुट कर रहा है, जो कि काफी अच्छे से एनिमेशन के साथ दिखाया गया है। वहीं पे टाइमिंग बिल्कुल ही सिंपल से लेआउट में है, लेकिन बिल्कुल ही अलग सा लेआउट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे हम इसे अनलॉक करते हैं तो आप देख पाओगे वही टाइमिंग आपको अपने होम स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लगता है। वहीं पे यहाँ पे आइकन पैक काफी अलग टाइप के यूज किए गए हैं, लेकिन काफी लार्ज आपको देखने को मिलता है। और वहीं पे कुछ इस तरीके आप अपने होम स्क्रीन को काफी अच्छा खासा लुक दे सकते हो और सारे आइकन यहाँ पे एनिमेटेड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका सेटिंग्स, कैमरा, गैलरी और बाकी चीजें जो कि काफी ज्यादा एनिमेट हो रहे हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं पर हम पैनल की ओर बात करते हैं तो पैनल पर काफी ज्यादा वाइटर लेकिन अलग टाइप के EY देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो ब्राइटनेस स्लाइडर है बिल्कुल ही अलग सा आपको जो लुक देता है। देख सकते हो किस तरीके से ये जो शो एंड हाइड हो रहा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा सा फील देता है। वहीं पर सेटिंग का जो आइकन है हमारा वो पावर बटन के रूप में है जो चेंज किया गया है और हमारा नेटवर्क और बैटरी आइकन भी बदल दिया गया है। जैसे हम पावर बटन पर टैप करते हैं यानी सेटिंग के आइकन पे तो हमारा सेटिंग ओपन होता है और सेटिंग पे काफी ज्यादा बॉर्डर की टाइप कैटेगरी की गई है और साथ साथ सबके आइकन बिल्कुल ही बदल दिए गए हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव सा है जो लगता है। वहीं पर हम किसी भी सेटिंग को इन करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको चेंज देखने को मिलता है। अगर हम जेस्चर की बात करें तो यहाँ पे ये भी जो बदल दिया गया है, जो कि काफी अच्छा है सो लगता है। वहीं पे हम अगर अपने डायलर की बात करें पैड की, तो यहाँ पे डायलर का जो पैड है वो हल्का सा चेंजिंग है, कुछ खास बिग चेंज नहीं है बट देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं पे कॉन्टेक्ट भी काफी अच्छा सिमिलर है जो देखने को मिल जाता है। और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आप अपने थीम के अंदर सर्च कर सकते हो इसका नेम, जो कि कुछ इस तरीके का है और इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो कुछ थीम के लिंक्स मेरे पास अवेलेबल है जो कि मैं मेंटेन करूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जिसके नेम नहीं है वो आप सिंपली अपने थीम स्टोर पे जो डाउनलोड करके इजीली यूज कर पाओगे, क्योंकि जितने भी थीम है सारे ग्लोबली थीम है तो आपको थीम स्टोर के अंदर इजिली मिल जाएंगे। क्योंकि अभी फिलहाल मैं ये ग्लोबल का ही रोम यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये सारे थीम मैंने जो डाउनलोड किए हैं वो भी थीम के स्टोर से। तो आई होप सो गाइस आपको ये सारे थीम काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। आई नो डेट कुछ थीम के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन कुछ थीम काफी इंप्रेसिव है तो उनके लिए एक लाइक जरूर करें। और इसी तरह के एपिसोड इन फ्यूचर भी आप चाहते हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि इसी तरह के कूल वीडियो जो मैं आपको इन फ्यूचर है जो एवरीडे प्रोवाइड करता रहूं और आप उसका फुल बेनिफिट है जो यहाँ पे ले सको। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।